اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं नारिश टीवी। तो आज के हमारे टॉपिक रहेगा केसेस ऑफ इंपेनेटिव। इंपेनेटिव हम कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं या कहाँ पर ये आते हैं। इससे पहले अगर चैनल बने हैं तो खाने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको इसी तरह वीडियो वक्त पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं केसेस ऑफ इंपेनेटिव। सो इट हैज़ जनरली फोर केसेस। फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिव केस। इट इज़ यूज्ड is a subject of sentence and is common with preparative subject of it. Okay, तो ये हम subject की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह के example हैं, to come on time is necessary, or it the other form of the sentence is it is necessary to come on time. ये to come यहाँ पर क्या है, हमारे साथ infinitive है, लेकिन ये कहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, ये हमारे साथ सब्जेक्टिव केस की जगह इस्तेमाल, यानी एट की जगह इस्तेमाल हुआ है। सेकंड एग्जांपल देखिए, टू मीट यू एज नाइस, और इट इज़ नाइस टू मीट यू। तो यहाँ पर टू मीट क्या है हमारे साथ, ये इन्फिनिटिव है, और केस क्या है यहाँ पर इन्फिनिटिव का, ये हमारे साथ इन्फिनिटिव सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर पर आते हैं ऑब्जेक्टिव केस। सो शी एग्रीज टू जॉइन बेक, और वी वॉन्ट्स टू स्टडी एट ऑक्सफर्ड। तो यहाँ पर टू स्टडी और टू जॉइन, ये हमारे साथ ऑब्जेक्ट आप क्या यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है इन्फिनेटिव। ठीक है, टू स्टडी और टू जॉइन, ये अक्सर ईटा में आते हैं इस तरह से क्यूज़ सिर्फ पोजिशन चेंज करते हैं। तो आपने ये केस जहन में रखने हैं कि यूजली हमारे साथ इन्फिनेटिव सब्जेक्ट की जगह भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट की जगह भी याद आ सकता है। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल है जो स्टडी और टू जॉइन, हमारे साथ ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशंस, देयर आर ओनली टू प्रीपोजिशंस व्हिच आर यूज्ड बिफोर इन्फिनेटिव। हमारे साथ सिर्फ दो पोजिशन होते हैं, टू वर्ड्स हैं जिसके बाद हमारे साथ इन्फिनेटिव आता है, इसको आपने जहन में रखना है। ठीक है, हमारे साथ पहले क्या है, बट है, सेकंड पे एक्सेप्ट है, फिर इसके बाद इन्फिनेटिव आता है। ठीक है, सो वी वांट नथिंग बट टू गो बैक, बट यहाँ पर क्या है हमारे साथ प्रीपोजिशन है, टू गो इन्फिनेटिव है। वी हैव नो चॉइस एक्सेप्ट टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड यहाँ पर क्या है हमारे साथ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है, एक्सेप्ट यहाँ पर प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ टू प्रीपोजिशन होते हैं जिसके बाद हमारे साथ इन्फिनेटिव आता है, नंबर वन बट है, नंबर सेकंड क्या है, एक्सेप्ट है। ठीक है, एज ए कॉम्प्लीमेंट आप भी, यूजुअली हमारे साथ इन्फिनेटिव एज ए कॉम्प्लीमेंट आप भी आता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, इस पर डिटेल वीडियो हमने बनाई है, चैनल पर मौजूद है। कॉम्प्लीमेंट हमारे साथ नेसेसरी पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है, जिसके अलावा कॉम्प्लीमेंट के अलावा सेंटेंस पूरा मीनिंग फिर नहीं देता। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, माई एम्बिशियस एज टू बिकम ए डॉक्टर इज, या आई वांट यू टू कम ऑन टाइम। तो यहाँ पर इज क्या है हमारे साथ, ये बी फॉर्म वर्ब है, इसके बाद क्या आता है, टू बिकम यहाँ पर क्या है हमारे साथ एज एन इंपेरेटिव है। ठीक है, तो ये हमारे साथ सेंटेंस को कंप्लीट करता है, टू कम ऑन टाइम, आई वांट यू, यानी या माई एम्बिशियस इज, आई वांट यू, ये सेंटेंस पूरा मुकम्मल मीनिंग नहीं दे रहा है, एज ए few words, it can be as a phrase, but when you add something to become a doctor or to come on time, in infinite add करते हैं तो फिर ये sentence हमारे साथ पूरा meaning देती है। I hope आपको video अच्छे लगे, तो please like करें video को और दोस्तों के साथ share करें। Thank you, Allah Hafiz.